नमस्कार मित्रों, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करने वाला हूँ नतर्जा शिक्षक भर्ती के बारे में। आज थोड़ी देर पहले संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई थी, जिसमें तीन प्रश्नों पर स्टार लगा हुआ था। अब यहाँ पर तीन प्रश्नों पर विवाद उत्पन्न सा हो गया है। इन तीन स्टार वाले प्रश्नों का क्या होगा? ये प्रश्न सभी के लिए कॉमन प्रश्न होंगे या इन प्रश्नों की गिनती नहीं की जाएगी? माना जा रहा है कि ये तीन प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी कि ये सुपर टेट के सिलेबस में नहीं आते थे। यदि इन तीनों प्रश्नों की गिनती नहीं की जाएगी तो पूर्णांक 147 का रखा जाएगा। समस्या बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थियों के लिए उत्पन्न होने वाली है। मान लेते हैं यदि किसी अभ्यर्थी के 90 अंक इन तीनों प्रश्नों को मिलाकर होते हैं, तो यदि प्रश्न हटा दिए जाएं, तो उस अभ्यर्थी के 87 अंक हो जाएंगे, जो कि 60% के बराबर नहीं होते हैं। यानी कि 147 के 60% के बराबर भी नहीं होते हैं, और 147 का 60% होता है 88.2। तो संशोधित उत्तर कुंजी विवाद के रूप में सामने आ रही है, खासकर बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही समस्या उत्पन्न होने वाली है। यदि ये तीन प्रश्न जोड़ दिए जाएँ, सभी अभ्यर्थियों को कॉमन रूप से दे दिए जाएँ, तो बॉर्डर लाइन वाले कुछ अभ्यर्थियों का भला हो सकता है, उनकी जिंदगी से बदल सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube से चैनल से जुड़े रहिए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए व पास के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा कमेंट बॉक्स में अपनी 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में लिखें। धन्यवाद।